हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आपके लिए स्टेट के लिए स्पेशल सोल्ड पेपर लेकर आया हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, सोल्ड पेपर आंसर की। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी कर दो लाइक। यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ये क्वेश्चन है 26 जून 2013 को आयोजित किए गए एग्जाम स्टेट की। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, यानी एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है। उसका दाखिला एनसीएफ 2005। एनसीएफ का अर्थ होता है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए, यानी एक बालक को वस्तुओं को देखने में जो है कुछ समस्या है, तो उसका दाखिला एनसीएफ 2005 को के अकॉर्डिंग जो है किस विद्यालय में होनी चाहिए? नियमित विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में या एकीकृत विद्यालय में? दोस्तों, इसके ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है समावेशी शिक्षा जो विद्यालय है उसके अकॉर्डिंग उनका दाखिला होना चाहिए। समावेशी विद्यालय में अधिगम यानी अधिगम बाधित होते हैं और सामान्य बालक को जो एक साथ रखकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है, यही एनसीएफ 2005 का जो एक रूल है। एनसीएफ 2005 का रूल क्या कहता है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, समावेशी शिक्षा देना ही असल में एनसीएफ 2005 का रूल्स रेगुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश और मुकेश। जो नरेश और मुकेश है कि आयु समान है, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। उनका सामाजिक और मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। निम्न मैंने कौन से सिद्धांत के कारण होता है? परिमार्जिता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, निश्चित एवं पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी नरेश और मुकेश जो है आयु समान है लेकिन सामाजिक और मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है, तो यह विकास किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? ऑप्शन दोस्तों सामने है। और दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत इस पर लागू होता है क्योंकि किसी दो व्यक्तियों की जो आदत होती है, कोई बुद्धियों में जो अंतर होता है, उनमें व्यवहार होता है, उनमें अंतर दिखाई देता है। अलग बंदे के अंदर अलग अंतर होता है, अलग बुद्धि का अंतर होता है, अलग आदतों का अंतर होता है, तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, व्यक्तिगत अंतर कहते हैं, तो दोस्तों ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति में विकास होता है, मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के आरंभ तक या जीवन पर्यंत? दोस्तों, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जब बच्चा अपने माँ के पेट से जब होता है, माँ की पेट के भ्रूण में होता है, तो वहाँ से शुरुआत कर देता है विकास करना और मरते दम तक वह विकास करता है। दोस्तों, ये जीवन पर्यंत जो है विशेषता होती है कि विकास जीवन पर्यंत क्रमानुसार चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी वृद्धि तो अपना लिमिट टाइम होता है वृद्धि का, लेकिन विकास का कोई लिमिट टाइम नहीं होता, यह जन्म से लेकर मरण तक होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है TET यानी प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की है। आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है या प्रयोगात्मक तकनीक है? दोस्तों, TET यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की एक जो है दोस्तों कौन सी तकनीक है? दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों जो ऑप्शन 3, प्रक्षेपीय तकनीक। यानी TET व्यक्ति तो मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीक है। यह परीक्षण का निर्माण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वर्ष 1935 में किया गया था। इस परीक्षण में उद्दीपक तथा परिस्थितियां स्पष्ट तथा संगठित होती है। दोस्तों, तो याद रखिए कि हार्वर्ड में किया गया 1935 में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व का मापन। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्टता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको विद्यालय की समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? विशिष्ट अवस्था किसको मानते हैं? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या किशोरावस्था को? दोस्तों, ध्यान से देना इसका आंसर और सोचना है।
तो दोस्तों जो समाजीकरण, जो जब बच्चा छोटा होता है समाजीकरण की भावना होती है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में टीनेजर अवस्था में होती है, टीनेजर नहीं सॉरी सॉरी दोस्तों बाल्यावस्था में चाइल्डहुड जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बाल्यावस्था है। फिर से बता दें तो कि बाल्यावस्था को समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में बालक अपने साथियों की टोली में अधिक आनंद आता है, वह टोली के सदस्यों के साथ अंतः क्रिया करता है और सामाजिक नियमों में सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड यानी गॉड गिफ्टेड जिनको बोलते हैं, ये मेधावी होने का लक्षण है। अभिव्यक्ति व नम्यता, जिज्ञासा, वाचालता, अति सक्रियता। दोस्तों ऑप्शन है एक या चार, एक या दो, तीन या चार, दो या तीन। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है आप जरूर कमेंट करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट है। इसका ऑप्शन दोस्तों सेकंड राइट है कि 1 और 2, यानी अभिव्यक्ति में नम्यता और जिज्ञासा एक ऐसा गुण है जो मेधावी होने का संकेत देती है। मेधावी जो गॉड गिफ्टेड बालक है वह बालक है जो सामान्य बालकों में सभी बातों पर श्रेष्ठ होता है। ऐसे बालकों में अभिव्यक्ति में नम्यता, जिज्ञासा, उच्च बुद्धि लब्धि के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में सहभागी समूह के द्वारा प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। आजकल अधिकतर विद्यालयों में सहभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या छात्र अनुराय पर। तो दोस्तों ध्यान से देना इसका आंसर, क्योंकि इसका राइट आंसर है दोस्तों योग्यता स्तर पर। योग्यता स्तर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। कोल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है, व्यवहार है, शब्द है, चिंतन है या समस्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि कोल्सनिक के अनुसार जो चिंतन है, चिंतन संकल्पनाओं का जो है पुनर्गठन करता है, संकल्पना जो होती है उसका पुनर्गठन चिंतन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। कौन सा सिद्धांत गलत है, इसमें से विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह पुरोकथनीय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, यह एक संयोगों का परिणाम है, संयोगों का परिणाम है, ये इज राइट आंसर आएगा। दोस्तों जब बालक जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, तो दोस्तों ये संयोगों का परिणाम नहीं है ये माना जाएगा, इसमें ये कथन गलत है। दोस्तों ये लास्ट में गलत है या नहीं है ऐसे से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, कृपया एग्जाम के टाइम ध्यान रखना, अच्छे प्रकार से क्वेश्चन रीड करना है। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रसारित करता है, वह निम्न को जांचना चाह रहा है। यानी एक परीक्षण तैयार करने के लिए एक शिक्षक है प्राप्तांकों की निरंतरता को जानने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों को प्रशासित करता है, वह निम्न में से क्या जांच रहा है, वैधता जांच रहा है, विश्वसनीयता जांच रहा है, वस्तुनिष्ठता या उपयोगिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि विश्वसनीयता जांच रहा है शिक्षक कि किसी परीक्षण की विशेषता से तात्पर्य शिक्षक द्वारा परीक्षण को परिभाषित करना और वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा आपको पता है कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ध्यान देखिए कि नहीं होती पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से अंत तक पढ़ना है, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों में शीघ्र व सतत संपर्क, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग या धैर्यशीलता का कम होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, धैर्यशीलता का कम होना ये आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में अधिगम जो अक्षमता वाले बालकों का सामान्य बालकों के साथ रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः ऐसी जो कक्षा है एक शिक्षक के लिए धैर्यशीलता को कम रखने की जो पूर्व तैयारी आवश्यक नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण नवाचारी है। नवाचारी स्रोत कौन सा है, ब्लैक बोर्ड, फेसबुक, इंटरनेट, टेलीस्कोप। नवाचारी, नवाचारी मीन जो नया ये सिस्टम आया है उसके अकॉर्डिंग पूछा है दोस्तों, जो आधुनिक टाइम में जो आया है। तो दोस्तों इंटरनेट एक ऐसा आया है जो आधुनिक में एक नवाचारी है, इंटरनेट, इंटरनेट जो शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है, यह एक ऐसी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है जो संपूर्ण विश्व की जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है
चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा जरूर बताइएगा। कि परिपक्वता का एक उदाहरण है जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, ऑप्शन चार चलना है, चलना। क्योंकि जो परिपक्व एक शारीरिक क्रिया है जबकि सीखना एक मानसिक क्रिया है। परिपक्व का संबंध शरीर के सभी अंगों का विकास से होता है, जैसे चलना, कूदना, बैठना, उठना, नहाना, उठना, बैठना आदि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक है जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है, वह है। लाइफ स्पेस आपको मैंने इससे संबंधित बताया भी है टॉपिक में। तो दोस्तों थारंडाइक है, कोलर है, या कूट लेविन है, स्किनर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कूट लेविन। कूट लेविन ने इसका संबोधित किया लाइफ स्पेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अजय को डेस्क से ली हुई पेंसिल वापिस रख दी। रोहित ने अजय से डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने की सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस सतर का सिद्धांत है, किस सतर का सिद्धांत है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। पूर्व परंपरागत सतर है, परंपरागत सतर है, उत्तर परंपरागत सतर है, या पूर्व सक्रियात्मक सतर है। तो दोस्तों ये तो चौथा तो ये था ही नहीं, इसका जो सिद्धांत है कोहलबर्ग का, ये चौथा तो था ही नहीं। तो दोस्तों ध्यान से इसका इस सिद्धांत को देखिएगा, इस सिद्धांत के बारे में सोचिएगा कि कौन सा हो सकता है इसका, कि पेंसिल वापस कर दी और सजा करने का डर है, यानी सबसे पहले ये पूर्व परंपरागत सतर है कोहलबर्ग का। मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई है अलग टॉपिक, ब्लूम, ब्लूम की स्पेशल वीडियो है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है, असंगत है ये ध्यान रखना दोस्तों, असंगत है। विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति या अनुप्रयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको अवगत करा देता हूँ कि आत्मानुभूति, आत्मानुभूति होता है। क्योंकि जो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किए थे उद्देश्य में, ये आत्मानुभूति का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, तो दोस्तों ये असंगत है। अगला है दोस्तों प्याजे, प्याजे का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है, समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है, पूर्ववृत्ति विद्यमान भौतिक संरचनाओं तथा वातावरण या मांग का मिलान, चिंतन के नए तरीके का समावेशन तथा पूर्ववृत्ति विद्यमान भौतिक संरचनाओं में सुधार करने का व्यवहार करना, पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना, या प्रत्यक्षापत या संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। ध्यान से देखिए दोस्तों कि प्याजे के जो संज्ञानात्मक जो विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन दो, ऑप्शन दो की चिंतन के नए तरीकों का समावेशन तथा पूर्ववर्ती विद्यमान भौतिक जो है संरचनाओं का वो सुधार करते हुए व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग है, कि विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो मानसिक आयु 12 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र है कि मानसिक आयु गुणा में 100 बटे में वास्तविक आयु, मानसिक आयु यानी MA गुणा 100 बटाई में CA, यानी मानसिक आयु इसकी कितनी है 12, 12 गुणा में 100 बटे में 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 120, 120 इज राइट आंसर, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है, विद्यालय का मुख्य कार्य क्या नहीं है। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करता है, विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करता है, विद्यालय संपूर्ण बालक को अपने उच्चतर स्तर तक विकसित करता है, विद्यार्थी जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करता है। दोस्तों बुरी भावना का विकास कोई भी विद्यालय नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4, ऑप्शन D। मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नता के निदान किससे संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के निदान किससे संबंधित होते हैं, वातावरण के साथ, वंशानुक्रम में विभिन्नता, वंशानुक्रम व तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, या वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आता है क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों ये दो ऑप्शन तो ये बिल्कुल पता लग गया था कि नहीं है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस था क्योंकि दोनों में विभिन्नता नहीं है, ये अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया करती है वंशानुक्रम व वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है शिक्षण का? व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि। दोस्तों जितने छोटे बच्चे हैं होते हैं उनको करके सीखने पर आधारित विधि सर्वोत्तम होती है, लेकिन दोस्तों इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि इनमें से कौन सी विधि सर्वोत्तम है, व्याख्यान विधि, सृजनात्मक क्रियाकलाप, समूह विधि या प्रयोगशाला विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन दो, सृजनात्मक क्रियाकलाप, ताकि नई नई जानकारी ले सके, नवीन सूचना देश के और ले सके। एक बच्चा जो है 5 वर्ष के जो बालक का चिंतन सॉरी एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? एक 5 वर्ष के बालक का जो है चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? प्रावर्तिक चिंतन, निर्देशित चिंतन या मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन इज राइट आंसर। मूर्त चिंतन कैसे आएगा? 5 वर्ष का बालक वस्तु को देखकर उनके विषय में मूर्त चिंतन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही वह वस्तु में अंतर करने लगता है। तो अगला फिर दोस्तों कोहलबर्ग के रिगार्डिंग है। अगर आपने अभी तक कोहलबर्ग का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को खोलें और प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर अलग अलग टॉपिकों पर हमने अच्छी प्रकार से वीडियो निकाली हुई है, कृपया उन वीडियोज़ को जरूर देखें। कोलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है वह कहलाती है पुरोनैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर या स्वकृत नैतिक सिद्धांत या नैतिकता स्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पुरोनैतिक स्तर। पुरोनैतिक सत्र है। आपको फिर से बता दूं कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के पुरोनैतिक स्तर में बालक की नैतिकता भय एवं दंड के कारण नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या आध्यात्मिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्टली आते रहते हैं एग्जाम में ऐसे। इसका राइट आंसर दोस्तों आध्यात्मिक पहलू नहीं है। आध्यात्मिक यानी जो अधिगम में मूलकता पाई जाती है, इसके परिणाम स्वरूप जो होता है कि अपने संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र में वृद्धि करता है। जो संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक क्षेत्र में वृद्धि करता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक के लिए संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा दोस्तों इसमें। आप जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आए, कृपया जो भी क्वेश्चन आए उसे अच्छे प्रकार से रीड करें। विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव या संसाधनों की उपलब्धता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा क्या, कि संसाधनों की उपलब्धता की जो शिक्षण को प्रभावित करने वाला विशेष घटक नहीं है, संसाधनों की उपलब्धता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है, व्याख्यान विधि के द्वारा, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा या वार्तालाप विधि द्वारा। तो दोस्तों आपको मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ, बिल्कुल सरल इसका आंसर है। अगर आपने अच्छी प्रकार से रीड किया है तो वीडियो के बारे में हमने वीडियो के लिए स्पेशल बनाई हुई है वीडियो, तो इसका राइट आंसर है वार्तालाप विधि। इसमें मैं आपको बता दूं कि शिक्षक द्वारा जो वार्तालाप विधि का प्रयोग विद्यार्थियों की भागीदारी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय करने के लिए जो महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता, व्यवहार परिवर्तन, विशेष को रोजगार के लिए तैयार करना। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सरल है, क्योंकि जो भी शिक्षा होती है वह व्यवहार में परिवर्तन लाने की होती है, व्यवहार में परिवर्तन लाने की। दोस्तों ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के बारे में हमने अच्छी प्रकार से वीडियो तैयार की है, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल पर। एनसीएफ 2005 की किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष या नियमित। तो दोस्तों आप ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो दोस्तों समावेशी शिक्षण का समर्थक है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है 0 से 2, 2 से 7, 4 से 11, 7 से 12।
तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जीन प्याजी ने चार अवस्थाएं बताई है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो कि जन्म से होकर दो वर्ष तक होती है, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 तक होती है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 10 साल तक होती है, औपचारिक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर होती है। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से रिलेटेड आएगा इसका दोस्तों ऑप्शन कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था क्या आएगा, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष ही राइट आंसर यह है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और 0 से 2 वर्ष होता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, और 4 से 11 जो इन्होंने बताया है ये मूर्त अवस्था से रिलेटेड होता है, ये औपचारिक अवस्था से रिलेटेड होता है। और दोस्तों ये है अंतिम क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए, बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, शिक्षकों में बार बार अंतःक्रिया करने में। विद्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित करता है, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल आसान है, ऑप्शन 1 की बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए। इसके बारे में बता दो, यदि अभिभावक बच्चों के कार्य का सतत निरीक्षण करे तो अकादमिक निष्पादन यानी जो गलतियाँ होती है उसको सुधारा जा सकता है। इस तरह दोस्तों हमने साइकोलॉजी, पेडागोजी जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, बाल जो मनोविज्ञान कहते हैं, उससे रिलेटेड हमने आपको अच्छी प्रकार से वीडियो उपलब्ध कराई। यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी। अगर कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा और सुधार अगली वाली वीडियो में नहीं होगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, लाइक अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हुई और अगले जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।